हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी WSSR का जो नोटिफिकेशन आप लोग का बीच में वायरल हुआ था, ठीक है, उसका क्या हुआ और मे हो गया, अभी तक वैकेंसी के कोई भी डिटेल नहीं दी है नेवी ने, ओके। एंड अगर हम लोग बात करते हैं इस बैच की, तो इस बैच का जो ज्वाइनिंग है वो आप लोग का अगस्त 2022 में हो जाना चाहिए। बट अगर हम लोग जो है ट्रेंड देख रहे हैं कि वैकेंसी आप लोग की आई नहीं रही है इस टाइम तक, तो वो ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे, ठीक है। और हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे आप लोग का वैकेंसी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, मतलब जितने भी पॉसिबल आप लोग के आउटकम है वो उन सारे आउटकम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो आप लोग का लगभग एक महीने के बाद आ रहा है इस चैनल पर, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग का कोई भी वीडियो में डिले नहीं हुआ करेगा, वीडियो आप लोग के रेगुलर बेसिस पर आप लोग को मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का जो एक नोटिफिकेशन आया था, जो कि मे बी मार्च में आया था आप लोगों का, ठीक है। तो प्रॉपरली हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो है टेलीग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि कोई भी अगर आप लोग का छोटा मोटा अपडेट होता है, जैसे रिजल्ट आ गया या मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, तो उसका अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पर दे देता हूँ, ठीक है। एंड प्लस हम लोग जो भी क्लासेस लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के जल्द क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। प्रॉपर आप लोगों को जो है मैं बैच देने वाला हूँ आप लोगों को, नेवी WSSR एयरफोर्स का हो गया या NDA का होगा, उसका प्रॉपर आप लोगों को बैच मिलने वाला है इस चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। अब टेलीग्राम को आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बस लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिफेंस कंपटीशन पॉइंट के नाम से, क्लिक करो और ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। और आप लोग पर्सनली मेरे से बात कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, या फिर अभी आप लोगों ने 12th की आया, आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। क्योंकि देखो 12th के बाद स्टूडेंट आता है वो स्टार्टिंग के 6 मंथ तो वो भटक ही जाता है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो नौकरी ले सकता है, क्योंकि वो अभी 12th पढ़ के आया, उसको 11th रिवाइज करना है और डायरेक्टली उसको जॉब मिल जाएगा, बट वो भटक जाते हैं, इधर उधर चैनल पर जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, मैं आप लोग को सजेशन दे सकता हूँ आप लोग कैसे प्रिपरेशन करो अभी अगर आप लोग 12th करके आए हो, ठीक है। चाहे आप लोग का कोई भी बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, और CBSE बोर्ड के अभी पेपर चल रहे हैं, ठीक है, तो वो उन स्टूडेंट को आने में टाइम लगेगा अभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग फटाफट से बात करते हैं आप लोग का, ये वाला जो नोटिफिकेशन था अभी मार्च में 2022 में आया था, ठीक है। अब इस ये नोटिफिकेशन आप लोग का जेन्युइन था या फिर बोले रियल था आप लोग का या फेक नोटिफिकेशन था, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो नोटिफिकेशन था इसके रियल होने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं और फेक होने के चांसेस भी अच्छे खासे थे, ठीक है। क्योंकि देखो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग का वैकेंसी नहीं आया तो डेफिनेटली सब लोग बोलेंगे ये फेक नोटिफिकेशन था, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं तो ये नोटिफिकेशन सही था, ठीक है, लगभग इसका सही होने के चांसेस जो थे वो 90% थे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली सारी चीजें दे रखी थी जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों को बाय द एंड ऑफ द मार्च आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आप लोगों का वैकेंसी जो है ऑफलाइन ही होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने जो है कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया था, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि आप लोगों का जो अगस्त 2022 का बैच है वो तो आप लोगों का ऑफलाइन करा लेगा ने भी, बट उसके बाद हो सकता है वो ऑनलाइन में दोबारा से शिफ्ट हो जाए, ठीक है। बट आप लोगों को पता है कि जो नोटिफिकेशन है वो भी टाइम पर आ गया, उन लोगों ने लास्ट मार्च तक आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने वाले थे, बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने पोर्टल पर कुछ भी अपडेट नहीं किया और कुछ भी अपडेट करने की ना की वजह से कोई भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाया। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नोटिफिकेशन एक प्रकार से आप लोगों का फेक माना गया, गॉट इट, चाहे ये फेक हो या रियल हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं ये आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन था 2021 अगस्त बैच का, ठीक है, जो स्टूडेंट 2021 में अगस्त में ज्वाइनिंग किए थे, ठीक है, वो वाला नोटिफिकेशन की सारी डिटेल इधर लेके रखी है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो उन लोगों ने नोटिफिकेशन जो दिया था या एप्लीकेशन आप लोग भर सकते थे 26 अप्रैल से भर सकते थे, ठीक है, एंड उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था तो इजीली उन लोगों ने जो है 5 मई तक जो है फॉर्म फिल करा लिए, ठीक है। उसके बाद देखो फी का तो कोई रट्टा था नहीं, आप लोगों को नहीं भरनी है क्योंकि ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। और एग्जाम डेट आप लोगों को पता है जून या जुलाई में वो करा रहे थे एंड एडमिट कार्ड आप लोग 21 जून तक आ गए थे और आप लोग का जो पेपर कराए गए थे वो 6 से 11
जो लाइव तक कराए गए थे। देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखो 6 से 11 जुलाई के बीच में उन लोगों ने पेपर कराया, 23 जुलाई को उन लोगों ने मैरिट दी, एंड जो ज्वाइनिंग थी वो आप लोगों की 2nd या 3rd अगस्त से स्टार्ट भी कर रही। तो ये आप लोगों ने देखा कितना रैपिड फायर तरीके से केवल 1 मंथ के अंदर उन लोगों ने वैकेंसी कंप्लीट करा ली, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगस्त 2022 की वैकेंसी इस बार आएगी या नहीं आएगी, तो उसके लिए अगर मैं बात बोलूं, अगर वैकेंसी आनी है तो उन लोगों को नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर नोटिफिकेशन देना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, आज 12 मई है, ठीक है, तो 12 मई के बाद अगले 14 दिन में, ठीक है, बोले तो 26 मई तक उन लोगों को नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। क्योंकि देखो इजी है उन लोगों के लिए, देखो आप लोगों का ये वाला जो अगस्त वाला बैच है इसका ऑनलाइन होने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे चांस बनते हैं कि ये आप लोगों की कैंसिल ही हो जाए वैकेंसी, बोले तो ये इसको पोस्टपोन कर दें एक प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का बैच आएगा फेब 2023 वाला, उसका नोटिफिकेशन ये लोग जो है जून में जाके दे दें, और उसका जो पेपर है उसको सितंबर में करा लें, और बाकी आप लोगों का जैसे फेज टू होता है वैसे फेज टू करा लें, जैसे मेडिकल होता है मेडिकल करा लें, ठीक है। अब देखो अगर इधर हम लोग बात करते हैं आप लोग का 26 मई 2022 तक अगर नोटिफिकेशन दे देते हैं तो इजीली अगस्त 2022 वाले बैच को जो है करा सकते हैं, ठीक है। एंड इनको जो है पेपर कराना होगा वो जुलाई में करा लेंगे, क्योंकि जून का कंप्लीट बनते हैं इन लोगों के पास, ठीक है। तो सेम जैसे जुलाई में उन लोगों ने पहले पेपर कराया था 6 से 11 जुलाई के बीच में, या 2nd वीक से आप लोग का 3rd वीक के बीच में जो है पेपर करा लेंगे, और 23 जुलाई को वो जो है मैरिट लिस्ट दे देंगे और अगस्त में ज्वाइनिंग करा लेंगे। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक दिन का ही फंडा है उनका, एक दिन में पेपर कराते हैं फिजिकल करा देते हैं वो लोग, ठीक है, और फिर आप लोग को जो है मेरिट लिस्ट के लिए वेट करने के लिए बोल देते हैं, एंड डायरेक्ट आप लोग अगस्त में जाके INS चिल्का में मेडिकल हो जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का अगले 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर अगले 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप लोग ये मान सकते हो कि अगस्त 2022 बैच इज नो मोर, ठीक है। अब इसको वो लोग नहीं कराने वाले, सीधे वो जो है फेब 2023 बैच को कराएंगे। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप लोगों का पेपर ऑनलाइन होने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस हैं, ठीक है। और अगर हम लोग अगर फेब 2023 की बात करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को लगभग 2nd या 3rd वीक ऑफ जून में देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर कंडीशन इस प्रकार रहती है तो। अगर वो अगस्त बैच को हटा रहे हैं, मतलब वो करा ही नहीं रहे हैं उस इंटेक को, ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी रही आप लोग की, 3 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। बाकी हम लोग अगर DOB की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट आप लोग SSR AA और MR के लिए दे सकते हो। अगर आप लोग इस एज लिमिट में आ रहे हो, ये तो आप लोग का हो गया अगस्त 2022 बैच के लिए, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट फेब की बात कर रहे हैं, फेब 2022 की, तो इधर आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आप लोगों को 6th मंथ का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो 6 मंथ आप लोग इसमें बढ़ा सकते हो 2002 वाले में, ठीक है, तो इधर 2003 हो जाएगा आप लोग का, और 6 मंथ आप लोग इधर बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इधर अगर 6 मंथ आप लोग बढ़ाओगे तो ये आप लोग का 11th तक पहुंच जाएगा, नवंबर तक, ठीक है। बाकी मैं ये डिटेल आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि आप लोगों का फेब का क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले आप लोग वेट करो आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। तो अगस्त बैच के लिए आप लोग का ये जो है एज लिमिट रहने वाला है। अगर आप लोग का अगस्त बैच का नोटिफिकेशन नहीं आता है अगले 2 हफ्ते में, तो डेफिनेटली आप लोग को जून में एक वीडियो मिलेगा फेब बैच के लिए, उसमें आप लोग को कंप्लीट डिटेल दूंगा क्या क्या आप लोग का DOB रहने वाला है, ठीक है। चलिए बाकी मैंने आप लोग को बता दिया, अगर DOB आप लोग को फेब बैच के लिए अपना निकालना है तो 6th मंथ आप लोग इंक्रीमेंट कर सकते हो। आप लोग SSR AA जो भी ये लिखा हुआ है आप लोग का 1 अगस्त 2002, इसमें 6 मंथ बढ़ा के आप लोग जो है अपना DOB देख सकते हो, ठीक है। एंड 31 जुलाई 2005, इसमें 6 मंथ बढ़ा के आप लोग अपना DOB देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये तो आप लोगों को पता है कि फुल ऑन चांस है कि ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन का 0% चांस है। अब मैं ये आप लोगों को लिख के बोल सकता हूँ, ठीक है, कि इस बार आप लोगों का 0% चांस होने वाला है अगस्त बैच के लिए, ठीक है, क्योंकि चांसेस अब ये बन रहे हैं कि अगस्त बैच को शायद कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ जब आप लोग का नोटिफिकेशन आया था कि कैसे कैसे आप लोग का पेपर होगा, क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मेरे को नहीं बताना है।
अब ये बता सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग का जो पेपर है उसको स्केड्यूल वो जो है जो जून सॉरी जुलाई में करेंगे, और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है बाय द लास्ट ऑफ जून आ जाएंगे, ठीक है। और मेरिट लिस्ट आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आप लोग का एक पर्टिकुलर डेट है 23 जुलाई 2022, तो इस पर्टिकुलर डेट को आप लोग का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ओके। चलिए बाकी आप लोगों को कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, नेवी से रिलेटेड या एयरफोर्स से रिलेटेड या फिर एनडीए से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी आप लोग का अपडेट होता है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें। बाकी आप लोग का जल्द ही बैचेस स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है, बहुत दिन बाद मैंने वीडियो आप लोगों को दिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। बाकी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर आप वीडियो मिलने लगेंगे, ठीक है, अब कोई भी ज्यादा गैप नहीं होगा आप लोग का वीडियो में, ठीक है, आप लोगों को हर दूसरे दिन वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप लोगों को मोटिवेशन दे सकता हूं मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को देता रहूंगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।